पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली बन सकते हैं पहले क्रिकेटर बीसीसीआई अध्यक्ष। 23 अक्टूबर को सालाना आम सभा में चुनाव का अनुमान नहीं, मुंबई के एक 5 सितारा होटल में बैठक में बनी सहमति। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 4 रैलियां, पहली रैली आज दोपहर 2 बजे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। महाराष्ट्र के भंडारा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, हमारी संस्कृति से प्रभावित थे चीन के राष्ट्रपति, भारत पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा, भंडारा के युवाओं से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने का किया वादा। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने फडणवीस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार के लिए समर्थन मांगा, विरोधियों को पीएम मोदी की चुनौती, कहा हिम्मत है तो घोषणा पत्र में लिखे 370 वापस लाइए। पीएम मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वो मां भारती का शीश है, वहां का कण कण भारत की शक्ति को मजबूत करता है। महाबलीपुरम के कूटनीति से अलग पीएम मोदी का कवि रूप, समंदर के किनारे मॉर्निंग वॉक के दौरान लिखी कविता, सोशल मीडिया पर किया शेयर। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बादशाहत, 3 करोड़ से ज्यादा हुए पीएम के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलोअर्स वाले नेता बने। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुबह 9:30 बजे हरियाणा के टोहना में रैली, 1 बजे पंचकुला और 2:30 बजे करनाल और शाम 4 बजे बादशाहपुर में रैली। महाराष्ट्र के पुणे में अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर 7 साल की कसक को उखाड़ फेंका। महाराष्ट्र के सतारा चुनावी रैली कर अमित शाह ने साधा विपक्ष पर निशाना, कराड़ में बोले शाह, मोदी मोदी के नारों से कांग्रेस वालों के पेट में होता है दर्द। हरियाणा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा जनता का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद को बढ़ाते हैं इमरान, खंड खंड होगा पाकिस्तान। हरियाणा के करनाल में राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार पर बोला हमला, कहा पहले दिल्ली से 100 रुपया चलता था लेकिन 16 पैसा पहुंचता था, आज 100 रुपया आपके हाथों में पहुंच जाता है, भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करेगी बीजेपी। रफाल की शस्त्र पूजा पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, कहा परंपरा और संस्कृति का पालन करना गुनाह है क्या। महाराष्ट्र के यवतमाल में मुख्यमंत्री योगी का बयान, महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके विदेशी हमलावरों को ललकारा, वैसे ही पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटाने का किया काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज हरियाणा के नूह के मरोड़ा गांव में रैली, प्रत्याशी आफताब अहमद के लिए हरियाणा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। लातूर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, बेरोजगारी जीएसटी और अर्थव्यवस्था पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा चांद पर रॉकेट भेजने से युवाओं के पेट में भोजन नहीं जाएगा। मुंबई के धारावी में राहुल गांधी की रैली, कहा अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है तो हिंदुस्तान कमजोर है, जो जीएसटी नोटबंदी से किया वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। दोपहर 12 बजे से जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगी पोस्टपेड मोबाइल सेवा, आवाजाही पर बंदिशें पहले से पूरी तरह से हटी। अयोध्या मामले में आज 38वें दिन की सुनवाई, संभावित फैसले को देखते हुए 2 महीने तक अयोध्या में धारा 144 लागू। साधु संतों का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या के कमिश्नर और विवादित परिसर के रिसीवर से मिलकर करेगा दीपावली के दिन दिए जलाने की मांग, सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रस्तावित मॉडल पर कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम जारी, विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का दावा, मुस्लिमों को मालूम है अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। सार्वजनिक स्थलों पर दीपोत्सव के सीधा प्रसारण और राम के अयोध्या आगमन को लेकर विशेष तरह के गीत बजाए जाने का सुझाव, प्रशासन ने व्यापारियों के लिए जारी किए निर्देश। सार्वजनिक स्थलों पर दीपोत्सव के सीधा प्रसारण और राम के अयोध्या आगमन को लेकर विशेष तरह के गीत बजाए जाने का सुझाव, प्रशासन ने व्यापारियों के लिए जारी किए निर्देश। रफाल के बाद MiG-29 को और मारक बनाने की तैयारी में भारतीय वायुसेना, स्वदेशी हथियार प्रणालियों से होगा लैस। हरियाणा बीजेपी संकल्प पत्र का नाम है हमारे सपनों का हरियाणा। इस संकल्प पत्र में 15 चैप्टर और 248 पॉइंट हैं, किसानों युवाओं और महिलाओं से किए वादे।
किसान कर्ज माफी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का पंजाब सरकार पर तंज, बोले झूठे वादे कर किसानों से लिए वोट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री धर्मसोत का पलटवार, मनोहर लाल पहले अपने राज्य को संभालें। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का विवादित बयान, कहा डॉक्टरों के ट्रांसफर में लगते हैं पैसे। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के जनसंवाद कार्यक्रम में बेलगाम हुए पार्टी कार्यकर्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोजन करने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने खाने के स्टॉल पर मचाया भगदड़, लूट लिया खाना, भीड़ देख वापस लौटे सिंधिया। एमपी में कमलनाथ सरकार के गिरने का बीजेपी ने फिर किया दावा, कैलाश विजयवर्गीय का बयान, उपचुनाव में जीते भानु भूरिया तो कांग्रेस सरकार की विदाई तय। ग्वालियर में भ्रूण परीक्षण का बड़ा मामला आया सामने, अवैध रूप से चाइनीज पोर्टेबल मशीन से सेक्स डिटरमिनेशन करते हुए पकड़ा गया शख्स, परीक्षण करवा रही तीन महिलाएं टेक्नीशियन और डॉक्टर फरार। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम कमलनाथ को लिखा पत्र, ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग, बढ़ते ट्रैफिक के चलते बताई मेट्रो की जरूरत। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा लोग घर मंगा कर आराम से पीते हैं शराब, पार्टी के जेडीयू से अलग अकेले लड़ने की दी सलाह। सहरसा में तेजस्वी यादव की सभा में जमकर हुआ हंगामा, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एनबीसीसी को मिले हैं 7,16,00,000 रुपए। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कटौती के बाद दूसरे बैंक भी अपने कर्ज की ब्याज दर में कर रहे कटौती, इनमें एसबीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया शामिल। यूपी के सीतापुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक युवती की इलाज के दौरान मौत, दो महिलाएं घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 60 लाख की अवैध शराब बरामद, पंजाब और हरियाणा निवासी दो आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में 11,000 वोल्टेज वाले खंभे पर चढ़ने के दौरान बिजली कर्मचारी अशोक की झुलसकर मौत, लाइन को शटडाउन किए बगैर कर्मचारी को चढ़ाया खंभे पर। पीलीभीत के सरकारी स्कूल में उर्दू प्रार्थना कराए जाने का शिक्षक पर लगा आरोप, विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। राजस्थान के डूंगरपुर में बुजुर्ग महिला को अर्धनग्न कर बुरी तरह पीट सड़क पर फेंका, आरोपियों से बताया जा रहा है पुराना जमीनी विवाद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से अगवा दोनों इंजीनियरों को नक्सलियों ने किया रिहा, दो दिनों से बना रखा था बंधक, अगवा तीसरे शख्स को भी छोड़ा, एसपी अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन को करोड़ों का चूना लगाने वाले दो आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार, महंगे सामान मंगाकर कैंसिल कर देते थे ऑर्डर, नकली सामान से बदल कर लेते थे रिफंड। एमपी के इंदौर की जय जगत कॉलोनी में 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या, लूटपाट की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में शर्मसार करने वाला वीडियो आया सामने, रामलीला में बार बालाओं की डांस पार्टी में पुलिस वाले भी भद्दा डांस करते नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में कोबरा के साथ गरबा करने के मामले में 3 लड़कियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। ललितपुर में दिव्यांग ने जहरीले सांप को बचाया, पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा। भारत ने घर में जीती लगातार 11वीं टेस्ट सीरीज, टूटा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2012-13 से अब तक भारत को कोई टीम घर में टेस्ट सीरीज में नहीं हरा पाई है। पुणे टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में विराट ने बनाए पहले शानदार 254 रन, विराट ने जीत का श्रेय टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन और खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को दिया। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की, विशाखापत्तनम में पहला टेस्ट 203 रनों से जीता था, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच धोनी के शहर रांची में खेला जाएगा। जापान में है जीबीस तूफान से भारी तबाही, बुलेट ट्रेन शिनकानसेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक, अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत, पीएम मोदी ने संवेदना प्रकट की। जापान में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान हेजीबीस, चिबा, गुनमा, कनगावा और फुकुशिमा में सबसे ज्यादा तबाही।
एजीबी इस महातूफान की चपेट में आकर सैकड़ों हो चुके हैं जख्मी। प्रशासन ने करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया में एयर शो के दौरान एयरफोर्स के विशाल विमान ने शहर में इमारतों के बीच से हैरतअंगेज उड़ान भरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वॉशिंगटन में हो रही है जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। अमेरिका के लुसियाना में इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग लापता, 18 घायलों को अस्पताल पहुंचाया।